अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ऐसे होंगे। मैं हूँ मलिक नावर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक नावर व्लॉग। और अभी देख रहे हैं, अभी जा रहे हैं कैंट। कैंट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इतनी शॉपिंग वगैरह तो कर ली है, जो भी सूट वगैरह लेना था वो लेकर तो उसी दिन ही दे आए थे टेलर को। और अभी जाना था कैंट, जा रहे हैं आगा साहब, जय कर आगा साहब। तो अभी जा रहे हैं, शूज ले रह गए थे, अभी प्रोग्राम बन गया है, चले यार शूज़ भी ले आते हैं। तो जाकर शूज़ लेते हैं, कोई जो भी देखते हैं, लेकिन जाके फिलहाल चलते हैं। आज स्टाइट वन होता था, जो कि स्टारी वगैरह कहीं हो रही थी, स्टारी कर ली है और अभी निकल रहे हैं। हेलमेट एक और दूसरा हेलमेट, और अभी जा रहे हैं। हेलमेट आपको पता है पहनना लाजमी है, नहीं तो इस तरह उन्हें जाने नहीं देना। वैसे कोई नहीं लाजमी, बाइक लगा दी इधर, पार्किंग कर दी है और अभी निकल रहे हैं। जाके उधर लगवाते हैं टोकन वगैरह, और ये जो हेलमेट है ये दोनों रख देंगे उधर। वो देखें आप, पहले भी पड़े हुए हैं, जाके उधर रखते हैं हेलमेट और आगे चेक करते हैं। क्योंकि इधर आपको पता है बाइक वगैरह की बाहर तो पार्किंग नहीं है, तो इस वजह से इधर ही पार्किंग करनी पड़ेगी। तो जाके चेक करते हैं शूज़ वगैरह, कौन सा प्रोटोकॉल लगता है बाइक का नंबर क्या है। और ये भी शूज़ वगैरह चेक करते हुए एक साइड पर आए हैं, रेट्रो वाली साइड पर। तो ये इधर पहले पार्किंग थी और अभी पार्किंग को ख़त्म करके तो इधर बना दिया, तो छोटी सी एक प्लेस बना दिया कि जिसके अंदर फुहारा बना दिया इन्होंने, और बाकी और को प्रोटोकॉल। और शूज़ वगैरह चेक कर रहे थे, शूज़ अभी कोई पसंद ही नहीं आया। चले अभी आते हैं तो आपको दिखाते हैं, अदरवाइज खुद ही चेक करते हैं। तो अभी आ गया वापसी कैंट, उधर से कोई शूज़ वगैरह पसंद नहीं थे आए इस वजह से। आगा साहब कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन रास्ते में छाड़ दिया उन्हें। मैंने इसलिए छाड़ दिया कि मैं वो कहना चाह रहा था कि वो लड़का यस फोटेज के ऊपर से बाहर निकला हुआ था, वो अपने आप को बेनज़ीर भुट्टो समझ रहा था। आगा साहब चवले मार दिए है। और अभी हम जा रहे हैं शूज़ वगैरह लेने के लिए, इधर चेक करते हैं कोई माल ये रह गया, और आगे जा रहे हैं। वो थे कैंट शॉपिंग वगैरह करने के लिए, शूज़ रह गए थे वो लेने आए हुए थे। और रह चेक कर सकते हैं आप सारा, ये एक साइड है कैंट की। तो अभी इधर से पूरे आगे कैंट पूरे में रश ही है सदर में। तो अभी हमने जाना आगे, चेक करते हैं, जो भी शूज़ वगैरह लेते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। उसने जो ड्रेस वगैरह लेना था वो तो ले लिया, अभी शूज़ ही रह रहे हैं बस। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। शूज़ वगैरह चेक कर रहे थे, शूज़ इनमें से आया कि ये वाला पसंद, ट्राई किया ये वाला, एक तो एक ये वाला पसंद आया, लेकिन अभी चेक करते हैं कौन सा फाइनल करते हैं। ये वाला ट्राई किया, ये वाले शूज़ पसंद है, ये वाले हेड मुझे है तो काफ़ी देर से पसंद है। अभी ट्राई करते हैं क्या चीज़ है, पहन के आपको दिखाते हैं सारा। रश काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से शोर है, तो इस वजह से ये ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। शूज़ वगैरह तो नहीं वैसे फ़िलहाल को मिले, लेकिन बाइकों का एक शोरूम मिल गया जो कि ये बाइक्स वगैरह खड़ी हुई हैं। तो अभी निकलते हैं आगे, सीधा चलते हैं घर, घर नहीं चलते हैर, एक दो चेक करते हैं दुकान, अगर को मिल गए तो ठीक है, नहीं तो सुबह माल आप सियालकोट के अंदर आकर चेक करेंगे फर्स्ट टाइम। कभी इस टाइम होता है फैमिली टाइम, तो इस वजह से अभी तो मुश्किल ही है, इस वजह से सुबह फर्स्ट टाइम चेक करेंगे। दो मुंह और दो हेलमेट उठा कर लेकर गए थे वी माल, उसी तरह ही वापसी ले आए, एक ये मेरा मुंह और एक इसका हालिया इधर का नैश ही मुँह है। तो वापसी आ गया हालिया थी, अभी करते हैं अपना बुगाटी अंदर, फिर देखते हैं सुबह क्या बनता है। The next day. 28वां रोजा, आपको शायद आवाज ना ठीक आ रही हो, आज है 28वां रोजा और आज जा रहा है कुर्बान वापसी अपने घर, तो ईद गुजारने के लिए फिलहाल जा रहे हैं कुर्बान को उतारने के लिए। क्योंकि हो सकता है 29 रोजे हो या 30 हो, पता नहीं कितने होंगे, लेकिन जितने भी होंगे आज 28वां, और शूज़ वगैरह अभी तक नहीं लिए, तो देखते हैं क्या प्रोटोकॉल बनता है। फिलहाल अभी पहले जाएंगे कुर्बान को छोड़ेंगे और फिर वापसी आके जो भी प्रोटोकॉल है। अभी पहुंच गए ये लाड़ी अड्डे में, बसेस वगैरह सारी खड़ी हुई हैं, बस स्टैंड जिसे बोलते हैं। तो इधर पहुंच गए, इधर उतारते हैं कुर्बान को और वो बैठेगा, और इधर से खिसके अंदर अपनी तरफ घर की तरफ रवाना दवा। यार रोज़ा 29वां और शूज़ आपने अभी तक नहीं लिए, आपने नहीं थोड़ी मैंने, तो अभी जा रहे हैं, पहले काम आए हुए थे, अभी उधर से वापसी जा रहे हैं और जाके चलते हैं कैंट। और पता नहीं सुबह ईद हो या आज हो, क्या बनता है, सोदिया के साथ ही हो सकता हो जाए या परसों हो, अभी देखते हैं क्या बनता है, रात को पता लगेगा। तो फिलहाल चलते हैं अभी कैंट और जाके सामान वगैरह लेते हैं, शूज़ जो भी लेना है, जो रह गया सामान, और टेलर से कपड़े भी अपने लेने थे, तो
तो जाके वो लेते हैं और बाकी का प्रोटोकॉल जाके एंड देखते हैं। अभी शूज़ और कपड़े वगैरह लेके फिर ही आपसे मिलते हैं। ये आए हुए थे शॉपिंग वगैरह करने के लिए, शूज़ लेने के आए हुए थे और टाइम हो रहा था इफ्तारी का, 6:40 हुए हैं, 6:41 पे होगी इफ्तारी। बोतल भी आ गई है पानी, सास बर्गर और रशियन सैलड। तो अभी एक बर्गर रह रहा है वो आता है तो फिर चेक करते हैं। ये वैसे मैंने चेक ही किया था कि अंदर क्या क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं था। अभी दूसरा बर्गर भी आता है, वो भी पूरी इफ्तारी करते हैं और फिर निकले हम बाहर जाके देखते हैं। आते हुए तकरीबन इफ्तारी का टाइम हो गया था, इस वजह से अभी पहले इफ्तारी करते हैं फिर आगे देखेंगे प्रोटोकॉल कोई भी है। और अभी टाइम भी हो गया अपना, इफ्तारी कर लिया शुरू और ये आ गया बर्गर दूसरा। ये बर्गर का नाम आपको मैं बता देता हूँ इधर से, ये है ग्रिल चिकन, ये वाला बर्गर है। आगे चेक कर सकते हैं आप, ये वन बर्गर लग रहा है देखने में और साथ पेप्सी। अभी शॉपिंग वगैरह जितनी भी थी सारी कर ली है और आज चांद भी नज़र आ गया ईद का। और आप सबको ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। और ये जाकर व्लॉग अभी अपलोड करते हैं, अभी एडिट करते हैं और अभी अपलोड करते हैं। और वो सामने खड़ा हुआ है ख्वाज आसिफ जो MNA है कैंट का। अभी चेक कर रहे हैं कि क्या प्रोटोकॉल है। वो ख्वाज आसिफ आगे ना चेक कर रहा है, वो पुलिस वाले जो खड़े होते हैं ना उनसे ज़रा प्रोटोकॉल चेक कर रहे हैं क्या प्रोटोकॉल है। तो अभी चलते हैं वापसी घर, शॉपिंग वगैरह जो भी थी सारी कर ली है और टाइम हो रहा है अभी 9:15 और जब घर जाकर व्लॉग एंड करते हैं और अपलोड करते हैं। और ये आप रश चेक करते हैं, आज इतना कोई रश नहीं है वैसे मॉल के सामने ना, मॉल के सामने नहीं सोई है, वैसे भी कैंट में इतना रश नहीं है आज। तो भी शूज़ वगैरह लाने थे, वो शूज़ ले आए हैं, शूज़ नहीं सैंडल लेकर आए हैं एक, वो जो भी है वो आपको सुबह ही दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और हावर के भी शूज़ लेकर आए थे, वो आ गया छोटे एक साइज, तो वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल जा रहे हैं वो चेंज करने के लिए, और लेकर कौन से आए हैं वो आपको चेक करवाते हैं डब्बा खोल के। ये शूज़ थे, ये लेकर आए हैं और ये आ गए, एक साइज छोटा आ गया। तो अभी जाते हैं साइज चेंज करवा के, तो फिर वापसी आते हैं और आके व्लॉग करते हैं। शूज़ वगैरह चेंज करके आ गए हैं, व्लॉग नहीं बनाया उधर क्योंकि व्लॉग हो जाना था काफ़ी लंबा, इस वजह से नहीं बनाया। तो अभी रह गई सिर्फ कटिंग करवाने वाली, वो भी थोड़ी देर तक जाके तो करवाते हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 का और थोड़ी देर तक जाते हैं और जा करवाते हैं। और आगरा साहब खड़े हुए हैं, ये वाला व्लॉग करते हैं इधर ही एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ। तो हैदर साहब अभी दरवाज़ा नहीं खोल रहे क्योंकि उसका कुछ सामान था वो नहीं लेकर आए, तो अभी दरवाज़ा फिर खड़काते हैं और अंदर जाते हैं।